सन 1990 बिहार की राजनीतिक धारा जनता लहर से कंपायमान थी। ओबीसी आरक्षण से उपजी जनता दल की तूफानी हवा से दिग्गज और कद्दावर नेताओं की चूलें उखड़ रही थी। उस राजनीतिक चक्रवात में महज 23 साल के एक नवयुवक ने निर्दलीय चुनाव जीतकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। द्रोह काल के उस पथिक का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। उनका मानना है कि अगर सिस्टम जनता के विरुद्ध है तो पप्पू यादव सिस्टम का विद्रोही है। सोसाइटी को किसी ने कमजोर किया? ऐसे तेवर भला किसी राजनीतिक दल में कहां फिट होने वाले थे। परिणाम स्वरूप पप्पू यादव कभी सपा तो कभी लोजपा तो कभी आरजेडी के साथ राजनीतिक युगलबंदी करते नजर आए, लेकिन कहीं भी दलगत रिश्ता टिक नहीं पाया। विभिन्न दलों के साथ बनते बिगड़ते इन रिश्तों के बीच एक अटूट गठजोड़ पनप रहा था। वो रिश्ता था आम गरीब आवाम और पप्पू यादव के बीच जज्बाती गठजोड़ का। पप्पू यादव के प्रति जनमानस में बढ़ते प्यार और विश्वास से घबराए नेता माफिया गठजोड़ ने पहले तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की कई बार, किंतु हर बार मानो बंदूक की गोलियां गरीबों के इस मसीहा को सलाम करके छिटक जाया करती थीं। और जब गोली काम न आया तो एक भयंकर साजिश रची गई और पप्पू यादव जेल की काल कोठरी में बंद कर दिए गए एक राजनीतिक हत्या के साजिश के आरोप में। पप्पू यादव पर हुए इस राजनीतिक आघात से बौखलाई जनता ने लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को भारी मतों से जीत दिलाकर ये महासंदेश दिया कि जनता की ताकत पप्पू यादव के साथ चट्टान की तरह अडिग है। कहते हैं ऊर्जा का क्षय नहीं होता, वो तो बस अपना स्वरूप बदलती है। जेल की काल कोठरी में पप्पू यादव की ऊर्जा भी एक नए स्वरूप में निखर रही थी। विश्वविद्यालय की अधूरी पढ़ाई जेल में पूरी हो रही थी। इस क्रम में वे डिजास्टर मैनेजमेंट और राजनीति शास्त्र की एमए परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। साथ ही साथ वे अपने जीवन के अनगिनत भूले बिसरे लम्हों को प्रतिदिन कागज पर उकेरते रहे, जो अंततः उनकी आत्मकथा बन गई, द्रोह काल का पथिक। 12 वर्ष की लंबी काली रात के बाद 21 मई 2013 को पप्पू यादव जेल की कैद से मुक्त हुए। मुझे जो एक नई जिंदगी मिली है, मुझे उसे जीना है। इस नई जिंदगी को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वाकई जी भर के जीना चाहते थे, क्योंकि 12 साल पहले जब वो जेल जा रहे थे तो उनका बेटा सार्थक 4-5 साल का था और बेटी प्रकृति जन्म लेने वाली थी। हर बाप की तरह वे भी अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखना चाहते थे, किंतु राजनीतिक कुचक्र ने दोनों मासूम बच्चों को उनके पिता से दूर कर दिया था। वो अजन्मी प्रकृति और अबोध सार्थक आज उनके कंधों को छू रहे हैं, पर उनकी आंखें आशंकित हैं कि उनके पापा फिर से राजनीति में न चले जाएं। अपने बच्चों की मूक मुस्कान देखकर पप्पू यादव भी सोच में पड़ गए कि क्या करूंगा इस राजनीति में जाकर, जब भगवान बुद्ध, कबीर, नानक, फुले, बेरियार और अंबेडकर इस समाज को नहीं बदल सके तो फिर पप्पू यादव क्या कर पाएगा। उनका ये मानसिक द्वंद्व उन्हें बेहद परेशान करने लगा था। एक मन कहता कि इत्मीनान से लिखो पढ़ो, आत्मकथा के बाद अगली किताब लिखो, अपने बच्चों को उनके हिस्से का पापा उन्हें वापस कर दो, उनका भी तुम्हारे जीवन पर कुछ हक बनता है और तुम्हारा भी पिता होने के नाते उनके प्रति जो कर्तव्य बनता है उसे पूरा करो। लेकिन जब वे अखबारों में आए दिन समाज की दुर्दशा की खबरें पढ़ते तो विचलित हो जाते और मन ही मन कह उठते कि एक प्रयत्न तो बनता है समाज के बदलाव के लिए। इसी उधेड़ बुन में पप्पू यादव ने पूर्णिया में आशीर्वाद यात्रा की स्वीकृति दे दी।
पप्पू यादव की इस आशीर्वाद यात्रा पर समूचे बिहार के सियासतदानों की निगाहें टिकी थी। वे देखना चाह रहे थे कि वक्त के दीमक ने पप्पू यादव और आम जनता के बीच के रिश्ते को कितना खोखला किया है। लेकिन पूर्णिया के हवाई अड्डा मैदान में लाख से ऊपर की संख्या में मौजूद जन सैलाब ने साबित कर दिया कि पप्पू यादव के प्रति लोगों की दीवानगी और बढ़ गई थी। इस दीवानगी का रहस्य कोई कुदरती करिश्मा नहीं, बल्कि पप्पू यादव का आम जनता की भलाई के लिए किए गए सतत प्रयास का सिला है। मसलन पप्पू यादव के जेल में रहते हुए भी उनका एक पूर्णकालिक कर्मचारी दिल्ली में बैठकर बिहार से जा रहे मरीजों को हर संभव मदद देने के लिए तैयार रहता था। हम बिहार से आए हैं और हर पेशेंट के लिए यहाँ से पप्पू जी के संसद जी के डेरे पे जा रहे हैं। खाना पीना सब मिलता है हम लोग को। सबसे बड़ी बात है कि आज तक एमपी साहब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, चाहे इनके क्षेत्र के नहीं है, और वो भी आ जाते हैं तो उनको भी एमपी साहब अपने यहाँ जगह देते हैं और जो भी हेल्प होते हैं वो करते हैं, और वो सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। गरीब शादी रहे वो मदद करके। पप्पू यादव के जेल में रहते हुए भी जब 2008 में प्रलयंकारी कोशी की विभीषिका ने कोशी अंचल को क्षत विक्षत कर दिया, तब पप्पू यादव का संगठन युवा शक्ति उनकी पत्नी रंजीत रंजन के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों की सेवा में तन मन धन से दिन रात लगे रहे। पूर्णिया आशीर्वाद यात्रा में आम लोगों से मिले स्नेह ने पप्पू यादव को पुनः वशीभूत कर दिया और शुरू हो गया आशीर्वाद यात्राओं का सिलसिला। मधेपुरा आशीर्वाद यात्रा, रानीगंज आशीर्वाद यात्रा, सहरसा आशीर्वाद यात्रा, सीतामढ़ी आशीर्वाद यात्रा, इन यात्राओं के मुहाने पर खड़ा था 2014 का लोकसभा चुनाव। राजनीतिक दलों के साथ हुए पिछले अनुभवों के आधार पर पप्पू यादव सोच रहे थे कि वो पूर्णिया अथवा मधेपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चूंकि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सुपौल से कांग्रेस की प्रत्याशी थी और कांग्रेस ने पूर्णिया से भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इसलिए पप्पू यादव पूर्णिया छोड़कर मधेपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। पप्पू यादव का आरजेडी से कोई रिश्ता नहीं रहने के बावजूद लालू यादव ने मधेपुरा सीट पप्पू यादव के लिए छोड़ दिया। अब मधेपुरा की जनता पप्पू यादव के पीछे पड़ गई कि आप निर्दलीय नहीं बल्कि आरजेडी से लड़ें। पप्पू यादव जानते थे कि उनका लालू से न पहले बना है और न आगे बनेगा, किंतु मधेपुरा की जनता और कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण वे आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने पर मजबूर हो गए और इस चुनाव में पप्पू यादव ने एक बार फिर इतिहास रचा। संसद में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद अगले ही दिन पप्पू यादव पुनः अपने क्षेत्र में वापस पहुंचते हैं अपनी जनता के बीच उनका दर्द साझा करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्त्री सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता रही है। शराबबंदी की मुहिम तो वे पहले ही शुरू कर चुके थे, अब उसे और तेज कर दिया था। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने एक अनूठी पहल की। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति भ्रष्ट अफसर का स्टिंग करके लाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए पप्पू यादव शिक्षा पदाधिकारी को लेकर विद्यालयों में औचक निरीक्षण करने लगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिला चिकित्सा पदाधिकारी को लेकर नकली चिकित्सकों और गलत चिकित्सा व्यवस्था के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। पप्पू यादव हैज स्टार्टेड एन एंटी डॉक्टर ड्राइव इन बिहार। इससे पता चला कि शहर का हर तीसरा चौथा क्लिनिक किसी न किसी रूप में गैर कानूनी है, और तह पर जाने पर पता चला कि चिकित्सा क्षेत्र में माफियाओं का भीषण वर्चस्व है और इससे आम जनता बुरी तरह से पिस रही है। इतना ही नहीं,
ये इस इलाके की गरीबी का एक प्रमुख कारण भी है। अब पप्पू यादव व्यवस्थित रूप से इस भ्रष्ट एवं बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था और नकली डॉक्टरों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। जनता चिकित्सकों के विरुद्ध गोलबंद होने लगी। ये आंदोलन एक जिले से दूसरे जिले में फैलने लगा। प्रतिक्रिया में चिकित्सकों ने भी धमकी के साथ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। अब पप्पू यादव और राज्य के चिकित्सक आमने सामने थे और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी रही। मैं सारे डॉक्टरों के अकूट संपत्ति के बारे में जांच की मांग करता हूँ। 28 सितंबर 2014 को बिहार राज्य के तमाम प्रमुख चिकित्सक और पप्पू यादव के बीच लंबी वार्ता हुई और डॉक्टरों ने माना कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सही है। एक महीने बाद इस मुद्दे पर सहरसा के मैदान में एक जन अदालत लगती है और उसमें जनता के बीच तय होता है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन के समानांतर पप्पू यादव दिल्ली में छात्र आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। कि छात्र के साथ साथ नौजवानों को आप जिस तरीके से गोलियां और लाठी चला रहे हो, अब दिल्ली के आम आदमी पर लाठी चलाना आप बंद करें। और यूपीएससी के अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा कराने में सफलता हासिल की। सड़क से संसद तक अगर कोई सांसद अत्यंत सक्रिय रहा तो वो है पप्पू यादव, क्योंकि सड़क पर शिक्षा और चिकित्सा की बेहतरी के लिए चल रहे आंदोलन की आवाज वे संसद में भी लगातार पहुंचाते रहे और हर अहम मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। मैं संतति सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय की बात आपने की है। अध्यात्म कहता क्या है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम ही नहीं और सार्वभौमिक समाज पर ही हमारा सब कुछ निर्भर नहीं करता। संगठम संबदधम सम वो मनांसी जानता हम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते समानी वया कुति समाना हृदया निवा समानो मस्तो नव यथा वह सुशासती। साथ चलना साथ जीना और साथ रहने की ताकत देता है हमारा ध्यान। इस वर्ष 2015 में एक ओर तो पप्पू यादव को बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी के खिताब से नवाजा गया तो दूसरी ओर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। विचारणीय तथ्य ये है कि जब पटना में पप्पू यादव को पार्टी से निकालने की कवायद चल रही थी तब वे कोशी अंचल में आए चक्रवाती तूफान से तबाह हुए आवाम के बीच रहकर उन्हें हर संभव मदद कर रहे थे। आरजेडी से निकाले जाने के साथ ही राष्ट्रीय दलों ने इच्छा जताई कि वे उनके दल में शामिल हो जाएं। लेकिन पप्पू यादव इस विषय में पहले अपनी कोशी की जनता की राय जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हल कुदाल रैली का आह्वान किया। मई की चिलचिलाती धूप में भी हजारों की संख्या में लोग पप्पू यादव की बात सुनने पहुंचे। सीमांचल में मिली ऊर्जा से सराबोर पप्पू यादव मिथिलांचल और मगध के विकास का खाका तैयार करते हैं और चल पड़ते हैं राज्यव्यापी आंदोलन के लिए। मगध की धरती जहां आज सामंत और नक्सल अपने अपने तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं, उस धरती पर पप्पू यादव 100 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए हजारों लाखों लोगों के दर्द के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं और संपूर्ण बिहार के जननायक के रूप में उभरते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनसे रूबरू होती है। हमेशा लीक से हटकर चलने का मादा रखने वाले पप्पू यादव प्रतिदिन 18 से 20 घंटे लोगों के साथ नए समाज के निर्माण हेतु विमर्श और संघर्ष में जुटे रहते हैं। उनकी ताकत आम जनता का प्यार और सम्मान है और उनकी पहचान है उनकी बेबाकी। और इस बेबाकी की हद ये है कि वे नेशनल मीडिया पर बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के बीच बैठ बुद्धिजीवियों पर तीखा प्रहार करने से नहीं चूकते। कि यह सवाल या टेरर या बाहुबली या बनाता कौन है, ये जो बैठे तथाकथित बोधि लोग हैं, ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक ताकतवर आदमी है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में एक नई लकीर खींचने की कवायद में जुटी है।